हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे आयर सेंसर जिसको हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी चीज़ की प्रेजेंस को नापने के लिए यूज़ होता है। कोई भी चीज़ इसके रेंज में आती है तो ये हमें लाइट, बजर या फिर दोनों के द्वारा इंडिकेशन दे देता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसे ही नए आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आईआर सेंसर बनाने के लिए कंपोनेंट कुछ इस तरीके से है। 9 वोल्ट बैटरी, एक LM358 IC, 10 किलो ओम पोटेंशियोमीटर, एक 100 ओम रेजिस्टेंस, एक 1 किलो ओम रेजिस्टेंस, एक 10 किलो ओम रेजिस्टेंस, एक फोटो डायोड, एक आईआर एलईडी, एक रेड एलईडी और एक बजर। और ये सब हम माउंट करेंगे 0 PCB के ऊपर। सबसे पहले हम LM358 IC को 0 PCB पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अब पोटेंशियोमीटर को यहां पर इस तरीके से लगाएंगे जिससे उसका एक टर्मिनल LM358 के पिन नंबर 4 से डायरेक्ट कनेक्ट हो। और पोटेंशियोमीटर का आउटपुट LM358 के सेकंड नंबर पिन में लगेगा। अब पोटेंशियोमीटर का बचा हुआ टर्मिनल LM358 की पिन नंबर 8 में जाकर लगेगा। और IR LED को PCB में हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ओम का रेजिस्टेंस IR LED के एनोड और LM358 के पिन नंबर 8 के साथ इस तरीके से कनेक्ट होगा। अब सर्किट में दिखाए गए तरीके से हम पूरे कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ सोल्ड कर देंगे। अब हमारा सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब बारी है बैटरी लगा के चेक करने की। तो चलिए देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। और हाँ फ्रेंड, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें, जिससे ऐसे ही नए वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और मेक इंडिया डिजिटल।